तो फ्रेंड्स, मैं जो है चादर धोने जा रही हूँ। मैं 6 kg की IFB मशीन में। तो ये मेरी चादर है, मैंने एक हफ्ते तक बिस्तर बिछा के रखा था बेड पे। तो ये देख सकते हैं कितनी मतलब गंदी चादर है मेरी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दाग धब्बे सब लगे हुए हैं कि यहाँ पे ऑयल गिरा हुआ है। तो मैं आपको और पलटा के दिखाती हूँ। तो ये सब देख सकते हैं दाग है ये, और ये यहाँ पे दाग कि मतलब काफ़ी गंदी हो गई है चादर। ये आप देख सकते हैं ये दाग है, ये सब मतलब ऑयल गिरा हुआ है। तो मैं आपको मशीन में धोना, फ्रंट लोड की मशीन है, फ्रंट लोड मशीन है, तो उसमें ये मैं आपको धो के बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये है पिलो कवर। तो ये एरिया काफ़ी गंदा हो गया है जहाँ पे हम सर रखते हैं, ये सब दाग वाग सब बहुत लग गया है। तो चलिए मैं धुल के बताती हूँ कि कैसे साफ़ होगा ये। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी मशीन, और ये IFB की मेरी मशीन है, देख सकते हैं आप। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, इसमें चादर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें चादर डाल दिया है और अब इसे बंद कर देते हैं। और इसमें डाल देंगे हम लिक्विड भी डालते हैं, सरफ भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो है डिटर्जेंट ट्रे है, अभी मैं सरफ एक्सल से धोऊंगी इसे। तो ये जो है इसमें तो लिक्विड डाल के धोते हैं, फिर मैं निकाल लूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं सरफ। तो ये मैंने सरफ एक्सल लिया है, कम से कम 3 स्पून डाल दूँगी स्पून से। अब अपने अंदाज से डाल सकते हैं इसमें कितना डालना है। मैंने 3 स्पून डाल दिया है इसमें सरफ, इसे लगा लूँगी मैं, प्लग ऑन करूँगी। प्लग ऑन कर दिया है, ये इनका सिंबल आ रहा है, ये मिक्स ऑयल पे है। मैं इसे कॉटन नॉर्मल पे धोऊंगी और कॉटन नॉर्मल पे 6 kg का डाल सकते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, और 2 घंटा 37 मिनट लेगा। तो मैं इसका टेम्परेचर और बढ़ा दूँगी, 60 डिग्री पे धोना है कि चादर बहुत ज़्यादा गंदी है। और फिर हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चादर जो है ज़्यादा गंदी रहती है, तो मैं हमेशा जो है 60 डिग्री पे टेम्परेचर करके धोती हूँ। टाइम जो है मशीन हमारी लेंगी 2 घंटा 51 मिनट। ये अपने हमारे घड़ी के टाइम से नहीं रहता, ये जो अपने हिसाब से टाइम लेती है मशीन। तो अब इसे डाल के हम छोड़ देंगे और फिर अपना ये धुलते रहेगा। मैं आपको बीच बीच में दिखाते रहूँगी कि कैसे क्या प्रोसेसर है इसका। और फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा कपड़ा धोने का अगर आपको आइडिया चाहिए तो वो भी मैं आपको कोई बता दूँगी। ये है एक्चुअली स्टीम मशीन, तो आप बेफिक्र होकर इसमें गर्म पानी से कपड़े धो सकते हैं। तो चलिए, अब हमारी मशीन जो है, मुझे पानी आ रहा है इसमें, पहले ये ट्रे में आता है फिर इसमें आएगा। तो 3 घंटे के प्रोसीजर के पास बाद हम देखेंगे कि ये मतलब कैसा साफ़ हुआ है चादर। तो अगर आपको
अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। और इसकी ट्रिक ये है कि मैं जो है इसमें अभी तो ये मशीन चालू हो गया है, ये जब भीग जाएगा, चादर अच्छे से भीग जाएगा, सरफ पूरा घुल जाएगा, तो मैं इसको छोड़ दूँगी बंद करके मशीन को, कम से कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जल्दी नहीं अगर अपने को चादर धोने की तो इसे जो है हम भिगा के छोड़ देंगे और फिर उसके 3-4 घंटे के बाद में मशीन को चालू कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल 100% बिल्कुल एकदम क्लियर चादर धुल के मिलेगी, कहीं भी कोई दाग धब्बा नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये भी मेरी जो चादर है वो भीग रही है, इसे मैं 15 मिनट तक ऐसे ही घूमने दूंगी, भीगने दूंगी। जब ये भी वैसे तो ये मशीन खुद ब खुद भिगाती है, लेकिन हमें चाहिए पूरी सफाई अच्छे से, तो ये जब भीग के छोड़ देंगे इसे हम भिगा के। तो वैसे भी हम अगर हाथ से कपड़े धोते हैं तो बाल्टी में भिगा के रखते हैं, तो वैसे ही इसमें मैं भिगा के छोड़ दूंगी। तो ये बिल्कुल आपको परफेक्ट धुलाई करके मिलेगी चादर। और बाकी बात जो है फ्रेंड, डिपेंड करता है आपके लिक्विड या डिटर्जेंट पे कि कौन सा लिक्विड और डिटर्जेंट आप यूज़ करते हैं। तो मैं दोनों यूज़ करती हूँ, लिक्विड भी डिटर्जेंट भी, कभी कभी जब जैसा जैसी गंदगी रहती है उस हिसाब से। तो अभी ये हमारी चादर जो है घूम रही है, इसे मैं थोड़ी देर में बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसे हम डायरेक्ट जो है स्विच से ऑफ़ करेंगे, यहाँ बटन के पास से ऑफ़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है चादर हमारी भीग गई है, मशीन खुद ब खुद जैसे रुक गई है, ये मतलब ऑटोमेटिक ही ये खुद भिगा के छोड़ देंगी। और मैं अपने तरफ से भी इसे बंद कर देती हूँ। तो वैसे भी ये मशीन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें चाहिए सो बिल्कुल परफेक्ट सफाई। तो हम अपने तरफ से जितना देर हो सके उतना देर हम इसे बंद करके छोड़ सकते हैं। तो मैं वैसे करने वाली हूँ, मैं बंद कर देती हूँ मशीन को। तो फ्रेंड्स, मेरे को भिगाए हुए हो गया है कम से कम 2 घंटा। 2 घंटे से मैं भिगा के रखी हूँ ये मशीन, आप देख सकते हैं बंद है। अभी मैंने प्लग को ऑन किया है, अब मैं इसे स्टार्ट कर दूंगी। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया, अब ये जो है मशीन चालू होगी मेरे घर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप मशीन हो गई है स्टार्ट, और ये जो है आप ऐसे ही घूमेंगी, और ये एक चादर कैसी धुली है, साफ हुई है नहीं। तो आपको अगर बहुत गंदी चीज़ है, गंदा चादर है या कपड़ा गंदे हैं, बहुत ज़्यादा मैले हैं, वैसे इसमें प्री वॉश का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, पर मुझे उससे बेटर ये लगता है कि भिगा के रख दो और जो है इसे जो है ऐसे घुमा लो मशीन में। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आप भी ये ट्रिक एक बार आजमा के देखना। तो चलिए, ये पूरा वॉश हो जाता है चादर हमारा। तो मैं आपको फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1 घंटा या 21 मिनट का टाइम अभी बचा है, और यहाँ पे ये प्रोसीजर चालू है, जैसे धो भी नहीं धोते थे पहले, वैसे ही वाला प्रोसीजर चालू है। तो झाग भी अच्छे से बन गया है हमारे सरफ का। तो ये आप देख सकते हैं कितने स्पीड से, मतलब इसको जो धो भी पहले पटक पटक के धोते थे, सेम ये प्रोसीजर होता है यहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स, ये हिस्सा काफ़ी गर्म हो गया है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा मतलब हाथ रखा नहीं जा रहा था, इतना गर्म हो गया था।
फ्रेंड्स, ये जो है हमारा खंगालने का प्रोसीजर चल रहा है। ये धुल गया है, धुलाई हो गई इसकी। अब जो है सरफ का पानी निकल गया है पूरा। अब ये जो पानी लेके खंगालने का प्रोसीजर चालू है। ये एक बार सुखाएगा, उसके बाद में फिर पानी लेगा। देख सकते हैं आप, घूम रही है मशीन। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट बाकी है, आप देख सकते हैं। और हमारा प्रोसेसर जो है सुखा दिया है कपड़ा बिल्कुल, सॉरी सूख गई है हमारी। और ये जब बिल्कुल बंद हो जाएगा तो फिर मैं देखती हूँ कि कैसा धुला है, गंदगी है या निकल गई पूरी। तो फ्रेंड्स, ये फाइनली हो गया एंड। और यह लॉक खोलते हैं हम। तो ये हमारा चादर धुल के रेडी हो गया है, एक टब में निकाल लेते हैं। फैला के दिखाती हूँ मैं कैसा हुआ धुल के। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना मतलब धुल के क्लीन हुआ है पहले में और अभी में। आप फर्क देख सकते हैं, कवर है तकिए का। और मैं चादर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चादर भी देख सकते हैं कितना क्लीन हुआ है। फिलहाल अभी मतलब हल्का गीला ही है, तो इसे सुखा लेती हूँ।